कोरोना वायरस के पेशनज़र मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के बावजूद झेलम के इलाके काला गुजरा में जीटी रोड पर मुर्गियों की वेस्टेज को एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में मुंतकिल किया जाता है। आइए आवाम से मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं। झेलम से इधर से हम ले कर जाते हैं, क्या चीज़? कुछ चंद लोग हैं जो इसको दे के जाते हैं, मुर्गी की वेस्ट है। तो ये क्या, कौन है यहाँ पे मालिक इस काम का? इस मालिक है इस काम का, वो हसन भट्ट साहब हैं, वो भी मुर्गियों का काम करते हैं। तो ये सिर्फ झेलम से लेके आते हैं आप या आसपास से भी, दीना और सराय वगैरह से भी? नहीं, इधर से लेके जाते हैं। सही है। तो रोज कितने ट्रक लेके जाते हैं यहाँ से? ये एक ही होता है मजदा, ये छोटा। अच्छा, हाँ जी। तो अभी इसके अंदर है सारी जो है वो? अभी इसके अंदर ही है। इसके क्या चीज़ है आप देख सकते हैं, जाकर देख लें। अच्छा। वेस्ट है मुर्गी की। अच्छा, तो ये कितने अर्से से यहाँ पे काम हो रहा है? ये अर्सा तो मुझे नहीं है याद, काफ़ी अर्सा से हो रहा है ये। तो आपने मोटरवे से नहीं ज़्यादा मोटरवे वालों से नहीं पूछा था या हेल्थ के डिपार्टमेंट से? क्योंकि आसपास भी काफ़ी जो है इससे पोल्यूशन हो रही है। ये जो है ना, ये गवर्नमेंट से मंजूर शुदा है, ये ऐसे नहीं कर रहे ये काम। नहीं, किसी सिटी के अलग कोई बल्दिया के बाहर की कोई अलग जगह होनी चाहिए ना बल्दिया के अंदर? नहीं, बल्दिया के से बाहर तो होनी चाहिए, ये तो उनके पे डिपेंड करता है जो इधर हमें बुलाते हैं। ये तो वो दूसरे मुलाजम आते हैं वो ले जाते हैं हमारी गाड़ी, तो चेहरे वाली दवाई आते ले जाती है, सेल तो नहीं करते। सेल नहीं करते? नहीं। बीमारी तो होनी है ना, स्मेल ही ऐसी अजीब सी है, ऊपर से ये जो कोरोना उठा हुआ है इससे और मुतासर होंगे वो हम। ये बहुत जहरीला, बहुत जहरीली स्मेल है। ये लोडिंग करते हैं इधर, कचरा लाते हैं मुर्गियों का जो होता है चर्बी वगैरह जो भी गंद वगैरह है, तो दूसरी गाड़ी में लोड करते हैं, तो बड़ी गाड़ियाँ लेकर जाती हैं। कितने अर्से से हो रहा था ये? तकरीबन 6 मंथ हो गए हैं। सिक्स मंथ से हम कंप्लेन कर रहे हैं, कोई सुनाई नहीं रही जा रहा सर। यहाँ पर क्या ना, बहुत सही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। स्मेल एक तो बहुत इधर से आती है इनकी मुर्गियों का वजह से, सारा कचरा। वो दवा कंप्लेन की मगर कोई सुनाई नहीं दी गई, इसकी वजह हमारा कारोबार पर असर पड़ रहा है, हमारा बिजनेस खराब हो रहा है सारा। तो बहुत सही मुश्किल हो रही हैं इस आलूदगी की वजह से। काला गुजरा का तमाम इलाका बदबूदार हो चुका है और तरह तरह के अमराज फैल रहे हैं। इलाका मकीनों का अरबाब इख्तियार से मुतालबा है कि इस गंदगी को जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाए और आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त से कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। कैमरामैन राजा अरसलान और चौधरी तनवीर के साथ उमर ज्ञानी, रॉयल न्यूज़ झेलम।